हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य श्रृंखला से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य श्रृंखला से चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, MCO-01 का हमने वन डे रिविजन जो है अपनी प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा तो प्लीज़ फटाफट उसको देखिए, अगर आपका जो है एग्ज़ाम पास आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन किसी एक स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है, यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है स्टनर, फ्रीमैन और गर्बर्ट की। ये तीनों जो है इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो ये क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। स्टनर, फ्रीमैन एंड गर्बर्ट डिस्क्राइब दैट एट एन ऑर्गेनाइजेशन टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर वे टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और अ सेट ऑफ गोल। ये क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक जो है पर्संस जो है एक किसी स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर में जो है, मतलब एक स्ट्रक्चर मतलब एक वे बना हुआ है कि आप इनसे बात करेंगे, स्ट्रक्चर वे में जो है किसी स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन सर्टेन साइलेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज। इस डिस्क्रिप्शन को देख के जो है कुछ साइलेंट फीचर हैं जो कि निकल के आते हैं, जो कि आपके सामने हैं। यहाँ फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉलमोनेट ऑफ अ मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है। सेकंड है, रिलेशनशिप अमंग द पीपल वर्किंग टुगेदर इज डिफाइंड थ्रू अ स्ट्रक्चर। जो इनके बीच में आपस में रिश्ता है वो किसके जरिए दिखा रखा है, एक स्ट्रक्चर के जरिए दिखा रखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली आपका जैसे आपको ध्यान होगा ट्रायंगल शेप का होता है, कि सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट पे कम लोग होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं मैनेजर, उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़, उसके बाद आते हैं लेबर, और उसके बाद लेबर जो है लास्ट क्लास होती है जो कि प्रोड्यूस करती है किसी भी प्रोडक्ट को। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, कि टॉप मैनेजमेंट किसको डायरेक्शन देते हैं, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ किसको डायरेक्शन देते हैं, लेबर्स को। इस तरह का जो है एक ट्राइंगल शेप बनता है। आई होप कि आपने बिजनेस से पढ़ा होगा। आगे पढ़ते हैं, थ्रू स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सच स्ट्रक्चर में भी रिलेटिवली रिजिड, ये जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है एज इन केस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर हम फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता। अगर देखिए स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कौन किसकी बात सुनेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए क्या कहें रिलेटिवली लूज अगर आपका जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। आगे पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव प्लान अ गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या करता है, जो गोल आपने बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे क्या करता है, प्लान करता है उसे अचीव करने के लिए। द गोल्स में भी सिंगुलर और प्लूरल, जो गोल होते हैं वो सिंगुलर मतलब एक भी हो सकता है और शायद एक से अधिक भी हो सकते हैं। गोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या है, एक सबसे बड़ा फंडामेंटल एलिमेंट है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली जो है ये जो है स्टनर, फ्रीमैन और गर्बर्ट ने बताया है। आगे बढ़ते हैं, रॉबिन्स की एक बार पढ़ लेते हैं, एक और इकोनॉमिक्स की, चाहे जिसके जरिए जो है आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्किप्स कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से समझना है तो आप एटलीस्ट एक से दो इकोनॉमिक्स की बात ज़रूर समझिए। तो नेक्स्ट का पढ़ते हैं, रॉबिन्स, ये भी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने क्या बता रखा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये पढ़ते हैं। रॉबिन्स डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्टीन्यूअसली कोऑर्डिनेटिंग सोशल एंटिटी विद अ रिलेटिव आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज दैट फंक्शन ऑन रिलेटिवली कॉन्टीन्यूअस बेसिस टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स। एडिशनल साइलेंट फीचर ऑफ डिस्क्राइब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग। बेसिकली रॉबिन्स ने क्या कहा, रॉबिन्स ने कहा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस कॉन्टीन्यूअसली कोऑर्डिनेट होता है, मतलब आपस में बातचीत करना होता है, एक सोशल एंटिटी होती है जो कि रिलेटिवली आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज होती है, कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम कर रही है, तो उसकी बाउंड्रीज है कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में सोचेगी, ये नहीं कि वो आम आदमी के बारे में वो डिज़ाइन नहीं करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पोर्ट्स मैन के। तो ये क्या है, रॉबिन्स कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बाउंड्री तैयार हो जाती है आइडेंटिफाइबल, मतलब जिसको जाना जा सके। द फंक्शन रिलेटिवली कॉन्टीन्यूस बेसिस अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल, और वो सभी के सभी मिलकर क्या काम करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कि जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि द एक्टिविटी एट द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्टीन्यूअसली कोऑर्डिनेटेड। जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लगातार कॉन्टीन्यूअसली चलती रहनी चाहिए।
इट मीन्स अफेयर एट ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली मैनेज, जो दिनचर्या होती है बेसिकली जो रेगुलर बेसिस काम होते हैं वो प्रॉपरली जो है मैनेज होते रहने चाहिए। इट इम्प्लाइज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये दिखाता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका, द टर्म रिलेटिवली आइडेंटिफेबल बाउंड्रीज इम्प्लाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्क विथ इन अ फ्लैक्सीबल एंड डिफाइनेबल बाउंड्री, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है किसमें, एक फ्लैक्सीबल मतलब जिसको जो है ईजिली जो चेंज हो सके उस बाउंड्रीज के अंदर। एनी ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिग्निफिकेंट साइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज की हो, देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ बाउंड्रीज, जिसके अंदर तीन लेयर होती हैं बाउंड्रीज, जो मतलब तीन बेसिकली बाउंड्रीज होते हैं। अगर आप ट्रायंगल को करें तो ट्रायंगल को तीन भागों में बांटते हो तो तीन बाउंड्रीज होते हैं ऊपर से। सबसे पहला होता है इन द इनर मोस्ट बाउंड्रीज कंटेन अ इंटरनल स्टेक होल्डर, जो सबसे पहले इनर मोस्ट बाउंड्रीज होती है उसमें क्या होता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट बेसिकली। द नेक्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जो नेक्स्ट लेयर होती है सेकेंड लेयर होती है उसमें कौन होता है, कस्टमर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, लेबर होते हैं, यूनियंस होती हैं, मीडिया होते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप जिनको इंटरेस्ट होता है जैसे कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वो होते हैं। और द आउटर बाउंड्रीज कंसिस्ट ऑफ मेजर मैक्रो वेरिएबल लाइक इकोनॉमिक वेरिएबल, टेक्नोलॉजिक वेरिएबल, पॉलिटिकल वेरिएबल, लीगल वेरिएबल एंड सोशल वेरिएबल, बेसिकली तीन तरह के जो है यहाँ पर लेयर ऑफ बाउंड्रीज होती है, ये बताया रॉबिन्स ने। और इसके बाद भी जो है ब्राउंस ने बताया, बट मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हिक्स भी है, शेक शेचिन भी हैं, ये जो है तीन चार जो है इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी बातें कही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजेशन एकदम डीप में समझ आ गया होगा और आप इजीली इसको लिख पाएंगे। ज़्यादा वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा इसलिए यहीं पर वीडियो को ओवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, Why is study of organization needed? तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। MCO01 की प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।